ये या तो देखे ना शहबाज शरीफ साहब कराची में वो जो पान का वो तस्दीक करके आए थे लोगों की, और मैं बड़ा हैरान हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने उस पर लोग लोग लोगों के जज्बात मजरू हुए उस बात पे, वो जो कराची करके हंस रहे खड़े हुए, इस तरह नहीं होता। लेकिन बारह चले बादशाह आदमी है वो आकर के आगे उनके साथ कौन था, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अब मुशाहिद हुसैन सैयद उसके बाद कहां नजर आ रहे हैं, लंदन में। बात यह है कि ये एक मामला, इसके ऊपर मुझे जरा ये बताएं। अच्छा पीपल्स पार्टी खामोश है, पीपल्स पार्टी खामोश है, अचकज़ई साहब खामोश हैं, सारी जमातें खामोश हैं कि नया अबूरी मुआहदा होना चाहिए। अच्छा अबूरी अबूरी यानी सॉरी इमरानी इमरानी मुआहदा, इमरानी मुआहदा होना चाहिए। अच्छा अबूरी का मेरे जहन में इसलिए लफ्ज आ गया कि ये जो दौर था ना ये वाला दरमियान में, तो ये अबूरी आइन था उस वक्त, पाकिस्तान एक अबूरी सिस्टम के तहत चल रहा था दो लख होने के बाद। अच्छा अब यहां पर शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब जरा वजाहत फरमाए या कोई इनका शख्स आके बताए कि ये उनके जो सदर हैं उन्होंने ये जो बात की है कि पाकिस्तान में नया आइन बनना चाहिए, नया आइन कैसे बनेगा, इलेक्शन तो हो रहा है कानून साज असेंबली के लिए, ये जो इलेक्शन 25 तारीख का है ये आईनी, ये तो आप देख लें ना मिस्र में क्या हुआ, मिस्र का मैं आपको बताता हूं। हुस्न मुबारक गया, हुस्न मुबारक गए, आईन साफ फारिग हो गया, आईन फारिग हो गया, फौज ने टेक ओवर किया वहां पे और फौज ने वहां पर एक अबूरी आईन ऐलान कर दिया मिस्र में। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर मोहम्मद मुर्सी साहब जो आए वो एक आईन साज असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसमें मोहम्मद मुर्सी आ गए, उन्होंने आईन बना दिया, उस आइन को अगले साल दबरदूस कर दिया उनकी फौज ने, और उसके बाद वहां के फौज ने दबरदूस करके वहां पे एक रेफरेंडम करवा के एक वो सीसी साहब आके बैठ गए। कोई तरीका